नमस्कार। श्राधा सरस्विहारिणी नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर मैं नम्रता शर्मा, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आप सभी के हृदयस्थ प्रभु को प्रणाम करती हूँ। आप सभी का वंदन अभिनंदन। आज की चर्चा का आरंभ हम करेंगे श्री राम जन्म की बधाई के साथ। अवध में आनंद अति ही छायो, पूरन ब्रह्म सकल जग करता कौशल्यासुत जायो, नृप दशरथ की भाग बढ़ाई वर्णत वेद लजायो, पुत्र भयो ताके त्रिभुवनपति प्रगटायो सुजस सवायो, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी संतन के मन भायो, सरस माधुरी रघुनंदन को हिये हुलस गुण गायो। आज मैं पुनः हाजिर हुई हूँ महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग के धन्यवाद संदेश के साथ। डॉक्टर गर्ग की ओर से आप सभी को श्री राम नवमी की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि मेट्स ने श्री विनीत कुमार गुप्ता अध्यक्ष मेट्स और श्री एसपी अग्रवाल कार्यकारी अध्यक्ष मेट्स की सलाह से ये निर्णय लिया है कि पीएम केयर फंड में 51 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। आज मेट्स ने 51 लाख रुपए की राशि पीएम केयर फंड में देश सेवार्थ ट्रांसफर कर दी है। डॉक्टर गर्ग ने संपूर्ण मेट्स परिवार और प्रोफेसर नीलम शर्मा निदेशक मेट और प्रोफेसर रवि कुमार गुप्ता निदेशक मेम्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमारे ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणारविंद में भेंट है। मानव सेवा, प्राणी मात्र की सेवा और देश सेवा ही हमारा धर्म है, हमारा प्रमुख कर्तव्य है। यहाँ मैं डॉक्टर गर्ग की पसंदीदा पंक्ति दोहराना चाहूँगी कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मेट्स संभवतः पहली ऐसी शैक्षणिक संस्था है जो पीएम केयर फंड के माध्यम से देश सेवार्थ आगे आई है। प्रोफेसर नीलम शर्मा डायरेक्टर मेट का संदेश भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। इनिशिएटिव्स टेकन बाई ऑल द रिस्पेक्टिव एचओडीज एंड देयर कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ हायर अथॉरिटीज इज हाईली अप्रिशिएबल रिगार्डिंग ऑनलाइन कवरेज ऑफ सिलेबस प्रोवाइडिंग असाइनमेंट्स कंडक्टिंग क्विजेज एटसेट्रा फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द कलेक्शन ऑफ डोनेशन फॉर पी एम केयर फंड लाइक दिस इफ वी ऑल रिमेन यूनाइटेड सर्टेनली वी विल विन अ फाइट अगेंस्ट एनी अनहेल्थी सिचुएशन स्टे होम एंड स्टे हेल्थी सो बिग अप्लॉज फॉर अ ग्रेट टीम कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। इस संकट के दौर में महाराजा अग्रसेन परिवार सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा है और एक दूसरे का उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रोफेसर चंद्र प्रकाश विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस का भी हमें धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उन्होंने मेट्स की सभी अथॉरिटीज़ को, फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स को धन्यवाद दिया है। और प्रोफेसर केएन चोपड़ा का मैसेज हमें मिला है, रिस्पेक्टेड सर, अंडर योर एबल एंड मोटिवेटिंग गाइडेंस इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ रूटीन फॉर द मेट फैमिली टू बी इनवेरिएबली इन फोरफ्रंट फॉर सच कॉजेज ऑफ हेल्पिंग इन नेशनल इंटरेस्ट व्हाइल फेसिंग वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। We are indeed lucky to be able to call ourselves belonging to this praiseworthy family. Please accept my personal regards. Or Dr. Basant Kumar ne message kiya hai ki always ahead for help in such type of natural disasters. We are proud to be the part of MEATS. Anya sabhi vibhagadhyakshon ke dhanyavad message bhi humko prapt hue hain. Shri राम नवमी का शुभ अवसर है और राम नाम की चर्चा के लोभ का संवरण मैं नहीं कर पा रही हूँ। जिन प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला, प्रेम और प्रभाव का श्रवण, मनन, पठन ये करना ही कल्याण का सूचक है, और तो उनके स्वरूप को लक्ष्य में रखकर उनके गुण और चरित्र को सर्वथा आदर्श मानकर और उनके वचनों को परम धर्म समझकर जो तदनुसार आचरण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। राम नाम की महिमा सभी संतों ने गाई है, सभी शास्त्रों का सार अगर कहा जाए तो वो राम नाम है। जैसा कि कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। मध्ययुगीन संत
शिरोमणि आचार्य महाप्रभु श्री स्वामी श्यामचरणदास जी महाराज अपने ग्रंथ श्री भक्ति सागर में फरमाते हैं, राम 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 गावो, मन के रोग सकल बिसरावो। नाम प्रताप शिला जलतारी, सोई नाम जपो नर नारी, नाम लेत प्रहलाद उबारो, प्रगट है हृणाकुश मारो। पतित अजामिल सब जग जाने, नाम लेत चढ़ गयो विमाने, सुबह पढ़ावत गणिका तारी, नाम लेत निज धाम सिधारी। सोई नाम नारद मुनि गायो, वेद व्यास मुख प्रगट जनायो, हरि के नाम को करो विचारा, सत्संगति मिली उतरो पारा। शिव ब्रह्मादिक नाम उपासी, आठ सिद्धि नव नाम की दासी, सुखदेव गुरु ने नाम बतायो, चरणदास हरि सो चित लायो। महादेव श्री शंकर जी और श्री ब्रह्मा जी इत्यादि सभी ने नाम की ही उपासना की है, और मध्ययुगीन संत स्वामी श्री रामरूप जी महाराज अपनी वाणी श्री मुक्ति मार्ग में राम भक्ति की महिमा गाते हुए कह रहे हैं कि राम भक्ति बिन धर्म सभी पाखंड है, राम भक्ति बिन नग्न तपस्या दंड है, राम भक्ति बिन दान करे सोई बोवना, राम बिना शुभ कर्म करे अघ खो अघ धोवना, राम भक्ति बिन तीर्थ फिरन उपाधि है, राम भक्ति बिन पूजा सब ही व्याधि है, राम भक्ति बिन आसन सब नटबाजियां, राम भक्ति बिन मूर्ति खेलन साजियां, राम भक्ति बिन धारण भेष अकाज है, राम भक्ति बिन धुंध झुपाया राज है, राम भक्ति बिन बुद्धि कहो किस काम की, राम भक्ति बिन सुंदर काया चाम की, राम भक्ति बिन नरसक पशु समान है, परे नरक की खान सहे जमसान है। सबका एक ही जोड़ भजो हरि नाम को, राम भक्ति बिन थोत पचो धन धाम को, राम रूप सुनदास चरणदासा कहें, उत्तम नरसोई जान राम जप में रहें। जिनकी सहायता स्वयं श्री जानकी वल्लभ करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। भगवान श्री राम तो अपनी शरण में आए प्रत्येक जीव को अभय प्रदान करते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जदपि परम स्नेही। और इसी तर्ज पर स्वामी श्री सरस माधुरी जी शरण जी महाराज कहते हैं कि जिनके प्रिय न सरस रस शैली, तिन सो कहा काज फिर अपनू, तिनके संग से भली अकेली। जितने सुहृद लोग हैं वे सभी श्री रघुनाथ जी के संबंध और प्रेम से ही माने जाते हैं, बस अब अधिक और क्या कहें। तो मेट्स परिवार की ओर से रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं देश सेवा में जुटे सभी लोगों को मेट्स परिवार की ओर से उनका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मियों और ज़रूरी सेवाओं में लगे सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन करती हूँ। श्री मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, रमा है सब में राम वही सलोना श्याम, अपनी स्वर विभिन्नता का क्या ही रम्य रहस्य, बढ़े राग रंजकता जिसकी पाकर सामंजस्य, गूंजने दो भवधान रमा है सब में राम, भेद का रहे न नाम रमा है सब में राम। प्रभु श्री राम से सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।